नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 27 मार्च 2020 के लिए 27 मार्च 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने बाय सेल लेवल कम स्किनर का थ्रू में मैंने रेगुलर व्यू देता हूँ। बाय सेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय सेल लेवल ऑफ इक्विटी बैंक निफ्टी कमोडिटी फ्यूचर्स और 100 डे ईएमए स्ट्रेटजी इंसर्ट दबार NR4 NR7 गन लेवल्स मोरेस लेवल्स इलियट वेब बहुत सारे लेवल्स दिखाता हूँ और कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन दिखाता हूँ। उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट दे सकता है आप लोग ठीक से तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो। और इसके अलावा बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो स्टॉक मार्केट में आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, ऑप्शन वाला स्ट्रैटेजी और भी बहुत सारा चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ मैंने रिसर्च एनालिसिस करता हूँ, मैंने डेवलप करता हूँ। तो वो भी मैंने जब भी मैंने कोई वीडियो डालूंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये फाइल कैसे स्क्रीनिंग का, ये फाइल में आप लोग बढ़िया तरीके से ये आप लोग को काम पे लगा के स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमा सकता है। मेरा परफॉर्मेंस वाला जो इस फाइल का जो परफॉर्मेंस वाला वीडियोज़ है जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी है वो लोग देख सकता है। जो कल का लेवल्स कुछ भी स्टॉक्स या निफ्टी बैंक निफ्टी आप लोग चुन सकता है, देख ले सकता है जो कहाँ से आप लोग एंट्री ले सकता है, कहाँ पर लेवल आया था, कहाँ पर आप लोग ट्रेड ले सकता है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका हाउ टू स्क्रीन और हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक, सॉरी हाउ टू स्क्रीन, इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है उसका वीडियोज़ आप लोग देख लीजिए तो वो भी आप लोग को सुविधा हो जाएगा। और इसका व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन, फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने का लिंक भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आप लोग जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके फ्री ट्रायल देख लीजिए ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। और इसके अलावा मेरा पेड सर्विस में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल होगा अब हर एक सेगमेंट में, वो भी आप लोग देख सकता है। और मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन के थ्रू इसका ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग अस्टेड एलिस ब्लू और अस्टेड एलिस ब्लू अपस्टॉक्स और एंजल बुकिंग में ज्वाइन होना चाहता है तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक का थ्रू में ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ। तो ये कल रिवर्सल एक बुलिश कैंडल दिया था, आज भी एक ये बुलिश कैंडल दिया था। मैंने कल बोला था कि ये थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, कैसे रिटेस्ट करेगा, क्यों रिटेस्ट करेगा, वो भी मैंने दिखाया था। तो आज भी मैंने दिखाऊंगा। तो उसके पहले मैंने कुछ मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें डेली चार्ट में जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, पहला वाला रेजिस्टेंस 8558 आप लोग देख सकता है, शायद होपफुली आप लोग देख सकते हैं 8558। उसके बाद सॉरी 8558 तो 8641 में तो क्लोजिंग दिया है और टू है इसका 8698। ये चैनल जो दिख रहा है इसका भी ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये चैनल का भी क्लोजिंग दिया है, इसका मिड पॉइंट को भी क्लोजिंग दिया है। ये लगता है कि इस चैनल का ऊपर अपर चैनल को टच करेगा, उसके बाद ये चैनल को टच करेगा। ये इधर जो इंडिकेटर लगा हुआ है उसका भी ऊपर गया है तो लगता है ये कुछ ऊपर जाएगा। और ये इसका 8798 में इसका पहले वाला रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 9220 में मिलेगा। उसके बाद लोग इधर से भी लेवल देख सकता है, इसके बाद ये जाएगा 9921, इसके बाद 10418, उसके बाद 10891 तक इसका रेजिस्टेंस है और भी ऊपर रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल ये सब देख सकता है। इधर भी फिबोनाची का लेवल भी ऐसा दिखा रहा है कि 10,958, उसके बाद 9885 इसका लेवल, 9,858 से 9885 का जो लेवल है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10,555 का लेवल तक ये जा सकता है, क्यों जा सकता है वो मैंने बाद में दिखाता हूँ। तो देखिए,
एक मिनट, इसका कैलकुलेटर मेरे को निकालने दीजिए, एक मिनट। तो देखिए, इसमें देखिए, ये जनवरी 20 से जनवरी, ये इसका जो टॉप हुआ था, इसका जो टॉप हुआ था 20 से जनवरी, इसका मतलब टॉप बना था 12,430। तो 12,000 मैंने एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप लोग ऊपर देखिए, 12,430 यही सबसे ज़्यादा ये गया था, 12,430। और नीचे जो मतलब जो आया था 23 मार्च को, जो मतलब नीचे आया था, इसका 7,511 तक इसका नीचे गया था। तो इसका 7,511 तक ये नीचे गया था 24 मार्च को। तो इसका आप लोग देख सकता है 12,430, 12,430 और माइनस आप लोग देख सकते हैं 7,511। तो ये जो 4,919 का जो डिफरेंस है, इसका एक साइकिल चलता है, आप लोग को दिखा देता हूँ। इसमें जो मंथली चार्ट में देखना पड़ेगा, इसका जो गिरा मतलब 2018 इसमें इसका जो मतलब नीचे गया था, उसके बाद से 2008 में जो ये नीचे गया था, ये इधर जो इसका जो लो बना था, गिरावट हुआ था, उसके बाद से ये जो पैटर्न बना के चल रहा है, अप ट्रेंड इसका लिया है। तो ये देखिए, ये है पहले वाला अप ट्रेंड, वेब नंबर 1 इसका है, वेब 2 इसका है, ये वेब 3, ये वेब 4, ये वेब 5 इसका, ये ख़त्म हो चुका है इसका टॉप बना के। उसके बाद इसका क्या है, इसका करेक्शन आ रहा है, करेक्शन आ रहा है, ये पहले वाला करेक्शन ऑलरेडी है वेब 1 का। तो इसके बाद इसका डेली चार्ट में देखाता हूँ कि डेली चार्ट में क्या होता है, वेब 1 का जो करेक्शन हुआ है ऑलरेडी, जो करेक्शन हुआ है, ये थोड़ा सा वेब ए का जो करेक्शन है, उसके बाद वेब बी का ये चल रहा है, वेब बी का जो चल रहा है। अब लोग जो लोग समझता नहीं है, या तो दूसरा बात है, जो लोग समझता है वो लोग भी देख सकता है कि देखिए, वेब 1 का जो इसका आया है, उसके बाद ये वेब 2 का जो करेक्शन चल रहा है, ये करेक्शन ये 4,919 का 61.8 तक ये जा सकता है। तो इसका मैंने कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.618 तक ये जाएगा। तो इसका कहाँ से मेरे को 7,511 जो इसका लो बना था, तो इसका ये आ सकता है 10,550 तक ये जा सकता है। तो इसका मैंने ऑलरेडी जो इसका गया है मतलब 4,919, ये पहले मैंने 0.382 देख लेता हूँ ये कितना दूर तक गया है। इसके बाद प्लस 7,511, ये लेवल, इस पहले ये लेवल तक इसका जाने जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। उसके बाद ये 50% का जो है, 50% का जो है, ये 50% तक जा सकता है। उसके बाद ही ये सॉरी 4,919, 4,919 का जो 0.50, इसका 2,419 प्लस ये 7,511, तो इसका ये 9,970 इस लेवल तक ये साग सकता है। उसके बाद 10,550 तक भी आ सकता है। तो और जो आप लोग को दिखाऊंगा, और एक चीज़, जो टाइम और प्राइस को जब मतलब स्क्वायर करना है गान का थ्योरी में, तो इसका देखिए मैंने ये निकाला है।
ये कितना डेज दिखा रहा है, 70, ये 70 डेज या 71 डेज, मतलब ये मैंने दिसंबर जनवरी ये हाई से हाई जब बना था, हाई जब बना था 20 जनवरी, तो इधर से 70 डेज मैंने पकड़ूंगा, तो ये 30 मार्च या 31 मार्च इसका एक आ सकता है कि ये पहले वाला टॉप बना सकता है, नहीं तो मतलब ये जो टॉप टॉप बना क्यों टॉप बनाया हुआ बॉटम अभी तक अभी नहीं बना, वो भी मैंने बाद में आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने 23 से 24 मार्च जो इधर से भी 70 डेज मैंने कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इधर से तो 23 मार्च जो है, 24 मार्च जो है उधर से 2 महीना मतलब अब लोग को हो जाता है अप्रैल में जून का कुछ जून का 30 या 31 तारीख तक, ये जून का 30 या जुलाई का 1 तारीख तक, ये लगता नहीं है कि इतना दूर जाएगा। और इसका जो जो डिफरेंस आता है, मतलब इसका जो डिफरेंस आता है वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये इसका आप लोग इसीलिए मैंने डेट भी प्रिडिक्ट कर सकता है, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि इसका इसका जो है इसके बाद इनटू मैंने सॉरी इसका जो मैंने 70 ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो इसका जो 70 वो मैंने बाद में दिखा देता हूँ। तो इसका जो 4919 का जो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया उसका आ रहा है लगभग 70, इसके साथ आप लोग +2 जोड़ेंगे तो इसका आता है सॉरी गलत हो रहा है कुछ 70.13 आ रहा है, तो इसके साथ +2 जोड़ लेते हैं तो इसका आ रहा है 70.13 इंटू 72.13, इसका जोड़ लेते हैं तो ये 5202 तक मतलब इसका इसका जो रिट्रेसमेंट होने वाला है, तो इसका ऐसा फर्स्ट सर्कल में ये देखिए 12430 से आप लोग उसको 12000 उसका 360 डिग्री एनालिसिस आप लोग को दिखा देंगे। तो पहले वाला इसका इस लेवल तक आ सकता है, गिर सकता है, उसके बाद मैंने आप लोग भी से सोच लीजिए 74 इंटू 74 ये जो 5600 लेवल इसके इसके से 12430 आप लोग माइनस कर सकता है, तो ये इस ऐसे करके आप लोग को मैंने बाद में प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा, तो लगभग ऐसे हो सकता है। फिलहाल ये जो इलियट वेब का जो वेब का करेक्शन चल रहा है तो ये इतना दूर तक 9300 या 9700 इसके बाद 10550 तक ये जाने का इसका प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, तो इसीलिए आप लोग को ये दिखाया। तो ये चार्ट का एनालिसिस मतलब इसको तो ऑन डे का हिसाब से, और भी मैंने आप लोग को बाद में लेवल भी दिखा देता हूँ, और इसका वेब मतलब ये जो साइकिल है वो आप लोग को दिखाया, और इधर से और भी कुछ दिखा देता हूँ कि इधर सोच लीजिए ये जो डिफरेंस आप लोग को दिखा है। अच्छा ठीक है, वो बाद में दिखाऊंगा। और बैंक निफ्टी का मैंने देखा है, पहले दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी भी निफ्टी को ही फॉलो करेगा, बैंक निफ्टी को इतना मैंने एनालिसिस मतलब एनालिसिस नहीं किया लेकिन वो निफ्टी को ही फॉलो करके चलेंगे। तो इसका एक मिनट, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी को पहले डेली चार्ट में आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिखा देता हूँ, उसके बाद में आप लोग को एनालिसिस और बहुत सारा लेवल आप लोग को दिखा दूंगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये क्या हो सकता और क्यों अप ट्रेंड में जाएगा, क्यों डाउन ट्रेंड क्यों नहीं जाएगा, वो भी आप लोग को मेरा एक्सेल शीट में कैलकुलेशन दिखाने के लिए आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या क्यों ये अप ट्रेंड में ये अभी तक अभी जाएंगे एटलीस्ट 9200, उसके बाद 9300, उसके बाद 9700, उसके बाद 10550 ऐसे लेवल तक ये रिट्रेस हो सकता है, लेकिन ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि ये इसका रिवर्सल हो गया, क्योंकि उधर से जितना मतलब गिरा है मतलब जब सी का करेक्शन आएगा, ये जो 4919 फिगर है ये जो पूरा ये जो ऊपर गया था ये टोटल इसका नीचे डाउनफॉल होगा, जिस लेवल तक ये ऊपर जाएगा
जिस लेवल तक ये ऊपर जाएगा पूरा जो ए का जो मतलब ये जो करेक्शन मैंने आप लोग को दिखाया जाएगा ये इस 12637 7511 ये पूरा इसका ये नीचे आएगा जिस लेवल तक ये ऊपर गया है, जिस लेवल तक ऊपर जाएगा मतलब ये रिट्रेस होके अभी ऊपर जाएगा। तो ये वो सोच लीजिए 10550 से भी आप लोग इसको, सॉरी 10550 से इसका माइनस करेंगे तो इस लेवल तक आ रहा है, और इसका आप लोग 9700 से माइनस करेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी है दोस्तों 5406, 546 का कितना दिखा है 546 से ऐसा कुछ। उसके बाद 9200 से इसका मतलब वो एसी का वेब सी का करेक्शन आ जाएगा तो उसका भी को इस लेवल तक आएगा एंड मतलब लगभग जरूर आएगा ऐसा कुछ मतलब हो सकता है। तो इसीलिए देखिए पहले इसका, अच्छा बैंक निफ्टी का पहले दिखा देता हूँ। ये 19269 में इसका रेजिस्टेंस है, उसके बाद 20056, उसके बाद 21373 इसके इधर से आप लोग देख सकता है। और मैंने आप लोग को दिखाया गया कि फिबोनाची का लेवल भी ऐसा ही दिखाया, वो भी आप लोग को दिखाया कि फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है मैंने 12030 से इसका 7511 तक मैंने उसका मतलब निफ्टी का ड्रॉ किया था। तो वो भी ये जो रिट्रेसमेंट दिखा रहा है 6188 और पाई सेक्शन में आप लोग फॉलो करेंगे तो उसको ऐसे ही आप लोग को रिट्रेसमेंट या मतलब स्विंग हाई स्विंग लो दिखाएगा, आप लोग खुद भी चार्ट में चेक कर सकता है। तो इधर से देखिए 22146 इसका एक 22146 में इसका एक अच्छा मतलब मिलेगा 19300 से 22146 इसका इस लेवल पे इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है उसका। उसके बाद ये जो अब ऊपर जाएगा 24090 तक इसे हो जा सकता है, उसके बाद 26000 इसे इधर से ये रिट्रेसमेंट जरूरी हो जरूर होगा। तो आप लोग को मैंने निफ्टी को फिर से एक बार दिखाता हूँ। क्यों ऐसा हो सकता है, मैंने कहा अगला दिन भी मैंने टाइम और प्राइस को मतलब टाइम को स्क्वायर करके दिखाया कि 2008 उसके बाद 2012 2016 और 2020 में कैसे इसका, आप लोग पहले वाला वीडियो चेक कर सकता है कि इसका कैसे मतलब ये स्क्वायर टाइम और स्क्वायर हो रहा है। तो इसका देखिए आप लोग इसका स्विंग हाई वो मंथली चार्ट में अब या वीकली चार्ट में आप लोग देख सकते हैं इसका स्विंग हाई और स्विंग लो, मतलब जो लोग प्योर प्राइस एक्शन भी करता है तो उसको इसका ही एक्चुअली यही रिफ्लेक्ट करेगा। इसका देखिए कितना दूर तक ये आया था, कितना दूर तक आया है, उसके बाद ये कितना तक रिट्रेस हो सकता है और कितना दूर तक ऑलरेडी रिट्रेस किया है। तो मार्केट में साइकिल में चलता है ये, आप लोग सभी को देखना पड़ेगा। एनीवे तो देखिए इधर तक इसका देखिए इसका तो बॉटम बॉटम हो चुका है, इधर 7887 उसके बाद 7.5 का आसपास का इसका बॉटम हुआ होता है। तो उसके बाद देखिए कितना दूर तक रिट्रेस हुआ है, ये 8649 या इस ये 86 इधर इधर का जो सपोर्ट लेवल है, इधर का जो सपोर्ट लेवल है ये देखिए 8649 तक इसका जो सपोर्ट लेवल है 8641 8649 इसका जो रीजन है ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो इधर का जो इसका जो स्विंग हाई है 8879 ये तो दिखा रहा है, उसके बाद फिर इसका जो स्विंग हाई है 8923 जरूर आएगा। इसके बाद इसका जो उसका क्रॉस करेगा तो 9679 मतलब 97 ऐसा कुछ रजिस्टर इसका आएगा। उसके बाद आप लोग इधर से भी देख सकते हैं जो प्योरली प्राइस एक्शन होता है, उसके बाद 10454 या 500 पकड़ सकता है इसका लेवल तक ये इसका आ सकता है। तो ये प्योर प्राइस एक्शन में जो भी काम करता है वो भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑप्शन चेन को दिखा देता हूँ। जो लोग बोलता है कि हम लोग प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, एक्चुअली जो ये सब रिट्रेसमेंट और टूल्स वगैरह मान के चलता है उसी का हिसाब से ही काम करता है। तो इसका और भी वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है दोस्तों, मेरा प्रॉब्लम आ जाता है, एक्चुअली लोडिंग करने में भी प्रॉब्लम आता है और
इंटरनेट का भी कुछ प्रॉब्लम आता है। तो मैंने ये देखिए, मैंने निफ्टी को इसका दिखा देता हूँ, निफ्टी का अच्छा बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। निफ्टी निफ्टी का ऑप्शन चेन जो दिखा रहा है, वीडियो जब लंबा हो जाता है मेरा डाटा भी लोड करने से ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इसका स्पीड भी ख़त्म हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा करने का ज़रूरत नहीं, बहुत सारा चीज़ तो बोलने का। मैंने बाद में आप लोग को ये साइकिल और गन स्क्वायर ऑफलाइन ये मेरा कैलकुलेशन भी पूरा फाइल में किया करके रखा है, मैंने कैलकुलेशन मेंटेन करता हूँ, तो भी आप लोग देख सकते हो। देखिए इधर कुछ 1.06 का इसका पीसीआर रेशियो है, 9000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, और इधर जो इधर इधर शॉर्टिंग हो रहा है, और 9000 का लेवल में पुल साइड में शॉर्टिंग हो रहा है, और इधर 7500 में इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है, पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और इधर जब भी आप लोग देखेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट में जो शॉर्टिंग हो रहा है उल्टा साइड में कॉल साइड में, ये मतलब नीचे वाला लेवल में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और इधर जब आप हाफ लेवल में इसका कॉल साइड में पूरा मतलब शॉर्टिंग हो रहा है, और कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और पुट साइड में अपर लेवल में इसका शॉर्टिंग दिख रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। अभी जो इसका ये जो मतलब चल रहा है, मतलब इतना सारा वोलेटिलिटी हो गया, और ये जो मतलब निफ्टी में गिरावट आया है और बहुत इतना वोलेटिलिटी बढ़ गया है, इसका वजह से ऑप्शन डाटा में भी ऑप्शन डाटा भी ठीक से ऑप्शन चेन में नहीं मिलता है, थोड़ा सा इसीलिए ठीक से एनालिसिस भी नहीं हो पा रहा है। तो इसका अंदर आप लोग को एक देखिए बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, शायद आ जाएगा बैंक निफ्टी, नेट में स्लो चल रहा है। तो इधर आप लोग को दिखा देता हूँ इसका प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट किया हूँ, दो आई एम हैविंग डिफ़िकल्टी इन गेटिंग प्रॉपर डाटा, तो ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का डाटा कुछ नहीं ठीक से नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए देखिए तब भी इसका जो कैलकुलेट किया हूँ तो इसका अप ट्रेंड ही दिखा रहा है, 7 दिन का हिसाब से ये अप ट्रेंड दिखा रहा है। और इधर बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन दिखा रहा है कि 0.99 ऐसा कुछ इसका पीसीआर रेशियो है, 20,000 में इसका, सॉरी ये तो निफ्टी हो गया है, बैंक निफ्टी अभी तक आया नहीं है। एनीवे उसके इसका वजह से आप लोग को उसका इन द मीन टाइम आप लोग को कुछ लेवल दिखा देता हूँ, ये फिबोनाची का लेवल्स आप लोग देख सकता है, इसको नोट कर सकता है, ये डेली का हिसाब से बना है ये फिबोनाची का लेवल्स, बाय और सेल लेवल्स। इसके बाद आप लोग को ये सीपीआर और पिवट पॉइंट का लेवल्स है। उसके बाद देखिए 360 डिग्री का भी आप लोग को, ये एक्चुअली 360 डिग्री का एनालिसिस मतलब मैंने जो किया है तो उसको कैसा मतलब डेली का किया नहीं हो, मैं डेली का जस्ट हाई लो वर्ट है कि ये डेली का आ जाएगा। देखिए ये जो अभी है 8637 8641 मतलब ये इस लेवल पे है, ये फर्स्ट सर्कल ये इसका ऑलरेडी बना गया 8731, तो मतलब क्या हुआ है ये अप ट्रेंड में है, तो इसका ये जो है पहले फर्स्ट साइकिल में ये 9013 360 डिग्री का इसका कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होने का चांसेस पूरा लगता है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है, और इसके बाद ये 9764 तक ये पूरा लगता है कि ये नीचे जाएगा। और इसका तो देखिए इधर जो ऊपर से जो नीचे आने का जो चांसेस है वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, और बैंक निफ्टी में भी आप लोग ऐसे चीज़ नोटिस कर सकता है कुछ 19613 मतलब ये जो लेवल है ये दोनों का लेवल ये 20,950 में ये आने का प्रोबेबिलिटी इसका हाई पोटेंशियल है कि इतना दूर तक आएगा। और कुछ लेवल आप लोग को दिखा देता हूँ, ये आप लोग जरूर नोट कीजिएगा इसमें आप लोग को। पहले देखिए ये जो फिबोनाची का लेवल्स है 7 दिन का हिसाब से, आप लोगों को बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का ये सभी में करके रखा हूँ, आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी अभी देख लीजिए, तो इसका आप लोग नोट कर सकता है 7 दिन 2 दिन 3 दिन 1 दिन 15 डेज 30 डेज 1 ईयर का हिसाब से इसका कैलकुलेट करके रखा हूँ।
उसके बाद ही इसका सीपीआर भी ऐसे किया हूँ, ये सब लेवल आप लोग मैंने स्पॉच करके देख सकता है, और इसका आप लोग लाइव मार्केट में आप लोग ऑब्जर्व कर सकता है, इसका मिला के देख सकता है ये इसका लेवल। आप लोग मतलब इस सेक्शन से आप लोग ध्यान से देखिए, इधर से मतलब फिबोनाची का ये वोलेटिलिटी बेस्ड है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद ये गन एंगल्स का है, R1 R2 R4 इसको आपको नोट आप लोग नोट कीजिए, और S1 S2 S2 इसको ये नोट कीजिए। इसके बाद इसका गन एंगल का है मतलब गन डिग्री का है, वोलेटिलिटी बेस्ड है, इसको वोलेटिलिटी को कंसीडर कर लिया हूँ इस कैलकुलेशन के अंदर। उसके बाद वन स्टैंडर्ड डेविएशन का हिसाब से फिबोनाची को लेवल को आप लोग ये भी नोट कीजिए, और ये जो इलियट वेव है इसका भी आप लोग देख सकता है। ये वन डे का हिसाब से बना हूँ, ये इसका टाइम फैक्टर भी आप लोग देख सकता है, और ये लेवल भी आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। तो हो गया, उसके बाद देखता है बैंक निफ्टी आया है इसका 19th 12, ज़्यादा इसका ऑप्शन चेन में ज़्यादा अभी जो चल रहा है तो इसका ज़्यादा कुछ करने का कुछ नहीं है, लेकिन तो अभी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलता है कि ऊपर जा या नीचे जा का और कहाँ पर सपोर्ट डिस्टेंस बना है। ये देखिए 20,000 में इसका सपोर्ट बना है, इसका शॉर्ट कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और इधर 17,500 में इसका दिख रहा है सपोर्ट, इसका लॉन्ग इधर इधर शॉर्टिंग हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो इंडिकेट कर रहा है कि नीचे जाएगा। और अभी ये वीडियो इधर ही ख़त्म करता हूँ दोस्तों, बाद में मैंने फिर से और भी लेवल दिखाऊंगा, और आप लोग को कुछ क्वेरीज है या कुछ फीडबैक है तो आप लोग जरूर दीजिएगा मेरे को।